नमस्कार स्वामी जी नमस्कार सर uh, मैं मृदुल शर्मा सर मैंने आपके साथ पहले भी चिकित्सा uh, का ज्वाइन किया था 135 बैच में एंड सर लास्ट जून में मैंने ज्वाइन किया था और मुझे उसके बाद सर देर इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन माय जॉइंट्स like now i can climb stairs like anything right in the morning earlier i was a ra patient I morning stiffness was so much that uh, i couldn't go downstairs as i'm staying in uh, fast floor so those activities were a burden to me but now i sometimes i I wonder like i climbed down like a child and i say who oh, how could i do that then i remember oh yes i'm doing the avitsa सो बट माई डाइजेशन एंड आई आईव गॉट अ सीरीज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट्स वाई आई केम टू यू एंड नाउ आई जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्कर क्या ये प्रोग्राम मुझे हेल्प करेगा जैसा कि मैं एक साल से रिलीजियसली आपका ज्वाइन किया हुआ है बट मुझे अभी डाइजेशन में इश्यूज़ हैं मेरा मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया है मेरा स्केलेटन पार्ट मैं कह सकती हूँ कि मेरे पेंस बहुत कम हो गए हैं लेकिन मेरा डायजेशन या मेरा गर्ट हेल्थ बहुत सफ़र कर रहा है कभी भी जैसे फ्लेयर आता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या इसमें हेल्प होगा मुझे और मेरा वेट भी इश्यू है थोड़ा सा वेट तो ऐसा इश्यू नहीं दिख रहा <laughs> जी हाँ आपका नहीं पर हाँ, हाँ आपका जो मेन इश्यू है ना वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यस है ना सर, वो सर उसके भी बहुत फ्लेयर्स बहुत कम हो गए बहुत कम अभी क्या है कि आ, ये जो ऑटो डिसऑर्डर है ना इसमें हम अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं डाल सकते okay. क्योंकि आ, आप ये भी देखेंगे कि आप जितने आराम से कर रहे हैं उतना आपको फायदा होता जाएगा एक दिन ज्यादा पुश कर लिया तो फिर उस दिन थोड़ा सा तकलीफ भी हो जाएगी तो ये बर, खास करके ऑटो इमेंट वालों को जरा बैलेंस बना के रखना पड़ता और उनके लिए अष्टांग चिकित्सा बहुत कंडीसिव uh, प्रोग्राम होता है अगर आपका वेट आपका ना अभी जो प्रकृति है इसमें वात का फैक्टर ज्यादा है है ना वात दोष ज्यादा है इसमें कफ दोष दिख नहीं रहा इतना नहीं है आपका सर, कफ दोष इतना नहीं पर सर राइट तो, नो right मेरा सार्कोटियोसिस मुझे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लंग्स काम जैसे कभी भी अभी पॉल्यूशन दिल्ली में आप देख रहे हैं इतना है तो मुझे उसके कारण आ, मेरे लंग्स सफर कर रहे हैं अभी जैसे जॉइंट्स मैंने कहा ना मुझे मेरा आर एफ वगैरह लास्ट वीक ही चेक कराया आपसे बात करने की वजह से मैंने टेस्ट कराए थे एक साल से छह महीने से नहीं कराए थे तो मेरा आर एफ भी नीचे आ गया है और आ, मेरा सबसे पहले तो मेरा सेडिमेंटेशन रेट नीचे चला गया जो कि बहुत सालों से नहीं गया था लेकिन मेरे को अभी डाइजेशन इश्यूज रहते हैं तो वही उसी के लिए आ, मैं मैं, बहुत जल्दी हो जाता है सॉरी टू इंट हाँ जी Okay. नहीं। आपको मालूम है आप जो थिंग yes, yeah. so कुछ चीजें हैं हमने क्या कर लिया एक बात आपको क्लियर बता दो आपका ना गट माइक्रोबाइटर ठीक नहीं है आ के लोगों का तो बिल्कुल ही खराब हो जाता है जी. उसकी शुरुआत भी कहीं कही ना कहीं वहीं से होती है ये. Yes, अब आपकी बातों हाँ। से मैंने यही सीखा सर <laughs> कि जब-जब हाँ। मैं डॉक्टर भाग भाग के के भाग-भाग जाती थी मेरा सबसे पहले मेरे को आ, में जलन हो रही होती है तो डॉक्टर को सुनते हाँ। ही नहीं थे मैं बोलती थी कि मुझे जलन होती है मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में अल्सर्स so, uh, गया कुछ yeah. चीजें ना अलग अलग स्टेट में ठीक होती हैं गट माइक्रोबायोटा ना आप कोशिश भी करोगे probiotic, probiotic लोगे तब भी ठीक नहीं होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं क्यों? क्योंकि जितना आप मिट्टी के नजदीक रहेंगे उतना आपका गट होगा अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी कर लो कितना ही नैरेटिव बना लो कैसी लॉजिकल बिल्कुल लॉजिकल बात करो कुछ भी नहीं होने वाला ये भी आप समझ जाइए तो आपको करना क्या है हाँ आपको करना क्या है हम इसके लिए ना एक प्रोग्राम अभी लॉन्च करेंगे गट माइक्रो रिस के लिए तो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि एक तरीके से भूमि का सत्व है भूमि का हम एसेंस जिसे प्राण कहते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक ऑयल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर रहे okay. जिसको नक्स्य फॉर्म में अगर आप लेंगे तो आपका गट माइक्रोबाइटा स्टेबलाइज हो जाएगा नॉर्मल फूड से भी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो जाता है तो ऐसे हमको कुछ चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी आपका गट रीसेट जब होगा तभी आपका डाइजेशन ठीक होगा दूसरी बात बात है एक और समझिए आपके शरीर में आ, ट्रिकी चीज पता है क्या अगर हीट बढ़ा दोगे तो तकलीफ आ जाएगी अगर हीट कम होगी तो तकलीफ ये ट्रिकी चीज है और मैं आपको बताता हूं जो श्लेषम शुद्धि हम करते हैं इसमें हम बॉडी की हीट को बढ़ाते हैं बॉडी की हीट को बढ़ाते हैं तो श्लेष शुद्धि में बॉडी की हीट को बढ़ाया जाता है अमेदा आपके लिए अभी सूटेबल नहीं है थोड़ा आरे वाले जितने भी वाले लोग हैं ना यह मान के चलो कि आपको कुछ नहीं तो आंख बंद करके एक साल आप प्रैक्टिस करो अष्ट चिकित्सा जी अष्टान चिकित्सा के बाद में आप देखेंगे गट का भी हेल्थ देखो डाइजेशन तो इंप्रूव होगा मगर क्या है कि गट अब वो प्रोग्राम करेंगे तो वो प्रोग्राम आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम कुछ प्रोडक्ट भी बताएंगे हालांकि इसके अंदर भी हम डिटॉक्स के लिए बताते हैं मगर वो स्पेशली गट रिस के लिए हम प्रोग्राम करें वो प्रोग्राम आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा ये प्रोग्राम में आएंगे क्योंकि इस प्रोग्राम में बॉडी के ऊपर थोड़ा हम उसकी एक्टिविटी को हायर साइड में ले जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए हम बॉडी की हीट को

तो वो इसलिए दिया, दिया जाता है कुंभराज कुंभ कराया कि आप अराउंड हाँ, करिए में जी। तो, तो, तो वो आपको हाँ, था। भी, हाँ, वो आपको भी देखना पड़ेगा और अभी अमेदा आप मत करो है ना आप अस्त का वो भी वो भी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके इजी वे में करो क्योंकि जहां ज्यादा करेंगे आपका हीट बढ़ेगा तो बहुत इम्बेलेंस आ जाएंगे तो हैंडल इट क्लियर Handle it, uh, properly. और दूसरा सर, मैं में ना हाँ, ये बात अभी भी दिख रहा है, हाँ, है। ना तो फिर एक्टिविटी <laughs> बढ़ने सर, के कारण दोष हाँ, आता है सर ये हाँ, हाँ, सर्कल है जब अच्छा कर रहे होते हो अच्छा फील कर रहे हो तो यू टेंट टू डू इट मोर हाँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है अभी क्या करना है थोड़ा वैध से भी आप सलाह लीजिए हम तो फ्री वैद्य का देते हैं ऑनलाइन आप बुक करते हैं ये पता नहीं है आपकी जिस भी ग्रुप में ना उसमें डाल दी जी, जी, अच्छा, उस तो तो हाँ, उसमें थोड़ा बाहर से सपोर्ट लेंगे क्योंकि अभी बात विकार है और जो आप कुंभक जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं खास करके मर्म विन्यास उसमें जो कर रहे हैं उसको आपको स्लो करना है स्लो करना इजी करना कंट्रोल में करना थैंक यू सर थैंक यू